हेलो फ्रेंड्स, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस वाले सेशन में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं कि ज्योग्राफी के फादर कौन है, ज्योग्राफी कैसे बना है, या फिर किन लोग कौन कौन थे जिसको ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है या ज्योग्राफी के फादर के रूप में जाना जाता है। तो इससे संबंधित आपको पिछले में ही बता चुके हैं और उसमें हमने आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम आपको आगे की बात बताते हैं, तो सुनिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं और दोबारा भी बता देते हैं कि कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। और कहां पर? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये जो आपको लिखा है उत्तरी अक्षांश, ये आपको बहुत जरूरी बात है, यानी कि ये जरूर याद रखना है कि किस अक्ष पर पड़ता है या किस अक्षांश पर पड़ता है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, सेम दे देंगे लेकिन यहाँ पर उत्तर दक्षिण में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। फिर आता है भारत का देशांतरीय विस्तार। क्या चीज? देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, और कहां? पूर्वी देशांतर। ये है भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बिल्कुल आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है या भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, अच्छा, आपको ये बात समझने में दिक्कत भी हो सकती है कि ये क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस वैल्यू को याद कैसे रखें। तो इस वैल्यू को आप बहुत जनरली याद रख सकते हैं। जैसे सुनिए क्या होता है, ये है हमारी पृथ्वी। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो इसके बीचों बीच एक लाइन होगी जिसका नाम है 0 डिग्री रेखा, या इसका इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच लाइन है जिसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या है? अक्षांशीय विस्तार का मतलब यह है कि 0 डिग्री, और यहां से देखो यहां पर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री, और यहां पर कहीं होगा 8 डिग्री। ये हो गया 8 डिग्री, क्लियर? यहां क्या हो गया? 8 डिग्री, और डिग्री के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होंगे, वहां कहीं होगा 1 2 3 4, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट। तो देखो यहां से चल रहा है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे ऐसे करके यहां तक आएंगे डिग्रीज में बढ़ते हुए। ठीक है ना, तो जो भारत है हमारा, भारत की अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये है कि जो 8 डिग्री वाली लाइन है, 8 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन है, उससे शुरू होता है हमारा भारत। हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन से शुरू होकर के जो इससे फिर ऊपर चलेंगे, 8 डिग्री से ऊपर चलेंगे 10 20 30, और यहाँ कहीं होगा 37 डिग्री, और इसमें ऊपर कहीं पॉइंट होगा 6 मिनट का। तो भारत जो हमारा है उसकी स्थिति कुछ ऐसी होगी कि वो 8 डिग्री और 4 मिनट वाला जो पॉइंट होगा अक्षांश रेखाओं में, कहीं यहाँ से वो ऊपर बढ़ता हुआ ये गुजरात वगैरह होते हुए कहाँ 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो आपका बिंदु होगा अक्षांश रेखाओं में, वहां तक फैला हुआ है। तो इससे मतलब होता है भारत के अक्षांशीय विस्तार से। क्या होता है? भारत के अक्षांशीय विस्तार से मतलब भारत अक्षांश रेखाओं पर किस वाली रेखा से शुरू होकर के किस वाली रेखा तक जाता है। तो वो 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा से लेकर के ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा तक जाता है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या है कि अगर अक्षांश रेखाओं में ये 0 डिग्री रेखा हो गई, ये वाला उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर अब हम इसको उत्तर और दक्षिण में बांटेंगे तो देख सकते हैं हमारा भारत किस दिशा में पड़ रहा है, तो किस में पड़ रहा है? उत्तर दिशा में। तो इसीलिए हम लगाते हैं इसके बाद उत्तरी अक्षांश। ठीक है, एक यहां पे ये क्वेश्चन और बनता है कि जो टोटल इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, टोटल
इसके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, भारत के अक्षांशीय विस्तार की दूरी कितनी है। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार की दूरी है, आप यहीं लिख लें आगे, 32-14 किलोमीटर। 32-14 किलोमीटर दूरी है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक भारत टोटल 32-14 यानी कि 3,214 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। ये भारत की अक्षांश विस्तार संबंधित बात हुई है। अब हम लोग इसके देशांतरी विस्तार के बारे में सुनते हैं। भारत का जो देशांतरी विस्तार है आपके सामने लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 68° 7' से लेकर के 97° 25' होता है। और कहां पर? पूर्वी देशांतर में। यानी कि अगर हम यहां पर ये ग्लोब है और पूर्वी इसमें हम लोग अक्षांश रेखाएं खींच लेते हैं, ये क्या है ग्लोब और अक्षांश रेखाएं खींच लेते हैं, तो आप जानते हैं ग्लोब है बना रहे, लेकिन हमारे ये बीच में इसकी 0° लाइन होगी, लेकिन हमारा भारत तो यहीं पर रहेगा, हमारा भारत तो ग्लोब में इसी दिशा इस साइड में ही प्रदर्शित किया जाएगा, इसी साइड में आपको मिलेगा। तो जो भारत है वो किस दिशा में मिल रहा है? पूर्वी दिशा में। किसमें? पूर्वी। अब आप इसको पूर्व और पश्चिम में बांटो, ऐसी ऐसी लाइनों के अपेक्षा जब आप इसको बांटेंगे तो ये वाला पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, इसी के तहत आपका जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में स्थित होता हो जाएगा। और 68° का मतलब क्या है कि कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक चल रहा है, तो 68° से 97-25 तक चलता है। यहाँ कहीं 90° होगा, इसके आगे यहाँ कहीं 97 तक चलता है, ठीक है। ये आपके भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के संबंध में बातें हो गई। अब जैसे कि आपने उत्तरी अक्षांश में समझा कि अक्षांशीय विस्तार में जो आपने समझा कि टोटल दूरी 32-14 किलोमीटर है, उसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार में भी ये दूरी कुछ होती है, तो ये दूरी होती है 29-33 किलोमीटर, यानी कि 2,933 किलोमीटर डिस्टेंस होती है आपके देशांतरी विस्तार की। यानी कि 68° 6' से लेकर के 97° 25' यानी कि भारत में जो ऐसी ऐसी दूरी है, आप देखो आपको पूरा भारत का मैप बना के दिखाते हैं, ऐसा भारत आपने होता है, हमारा भारत इस प्रकार से होता है कुछ, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो भारत की टोटल डिस्टेंस है ये है 29-33 किलोमीटर। क्या है? 29-33। ठीक है 29-33 किलोमीटर। और ये वाली क्या होती है? ये 32-14 होती है, ये वाली 29-33 किलोमीटर होती है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग यहां से यानी कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के मुख्य यानी कि अंतिम बिंदु होते हैं, जो आखिरी बिंदु है इनके दक्षिणी सॉरी इनके जो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है, इनके बीच की दूरी कितनी है? तो वो है आपकी 29-33 किलोमीटर। और यही भारत का देशांतरी विस्तार है, जिसको कहां पर स्थित है? ये पूर्वी देशांतर में बोला जाता है, ठीक है। अब सुनिए, अब बात आती है कि भारत का टोटल एरिया कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। बिल्कुल वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो आपका इंडिया है, भारत है, उसका टोटल एरिया कितना है, टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 32-87-263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आप बताएंगे? 32-87-263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। कितना है? 32-87-263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का टोटल एरिया है, ठीक है ना। आपकी जो यूनिट है इसकी, एरिया की यूनिट है, वो यहाँ पे विशेष है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो 32-87-263 है वो किलोमीटर में दिया है, अगर यहाँ पे मीटर में या फिर माइल में दे रहा है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, तो तब ये वैल्यू है ये ना रह करके अदर चेंज हो जाएगी, जो हम मीटर से किलोमीटर या मीटर से माइल वाले कन्वर्जन से कर सकते हैं। लेकिन अगर किलोमीटर लिख के आ रहा है तो 32-87-263 ही आप बताएंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो भारत 7वें नंबर पर आता है। कौन सी पोजिशन पे आता है? 7वें नंबर पर आता है। तो पहली पोजीशन पे कौन आता है? तो इसका क्रम कुछ इस प्रकार है, सबसे पहले आता है आपका रूस,
रूस, कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सेवेंथ पोजीशन है या सातवां स्थान है, और इसका जो क्रम है वो किस प्रकार है, सबसे पहले आता है रूस, फिर आता है कनाडा, उसके बाद अमेरिका, फिर आता है चीन, फिर आता है ब्राजील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है भारत, ठीक है ना। तो यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर, यहां से तीन फैक्चुअल या जी ए जिसको हम वन लाइनर क्वेश्चन या जनरल अवेयरनेस कहते हैं, उसके तीन क्वेश्चन यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। कौन कौन से, कि भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप कहेंगे सेवेंथ, भारत का स्थान है सेवेंथ, और सबसे पहला स्थान किसका है या फर्स्ट पोजिशन किसकी है, तो आप बताएंगे रूस, यानी कि जो रूस है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हमारा रूस है। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे देश की बात कही जाए, तो आप नाम बताएंगे वेटिकन सिटी, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए यहां पे आपके कितने वन लाइनर क्वेश्चन हो रहे हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश टोटल डिस्टेंस 32-14 किलोमीटर। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर टोटल डिस्टेंस 29-33 किलोमीटर। अब भारत का टोटल एरिया कितना है, तो भारत का टोटल एरिया है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया की दृष्टि से जो आपका भारत है वो विश्व में सेवेंथ पोजीशन रखता है। तो इनमें क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले आता है रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है। तो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, ठीक है। फिर आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस या फिर रशिया कहते हैं। आप एक बात और याद रखें, रूस का अन्य नाम सोवियत संघ भी होता है, सोवियत संघ, रूस को सोवियत संघ भी कहा जाता है। तो अगर कहीं सोवियत संघ लिखा मिल रहा है तो आप समझ लें वहां पे रूस के बारे में बात की जा रही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे देश की बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर है ना यहां तक सभी लोगों को। देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में, भारत के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे या इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है भारत के मुख्य बिंदुओं से संबंधित फैक्ट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो आपका भारत है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, यानी कि सबसे पूरब में कौन सी जगह है भारत में, पूर्व सबसे ज्यादा पूरब में चलते जाओ सबसे एंड पर क्या पड़ता है। तो सबसे भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किबथु, या इसको बलांगू भी कहते हैं। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसको किबथु या बलांगू नाम से जाना जाता है, जो आपका कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबथु या बलांगू है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसके बाद आता है भारत का सबसे प
पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु यानी कि भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा बिंदु है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती, या इसी को गौर माथा भी कहते हैं। कुछ बुक्स में गुहार मोती है और कहीं कहीं आपने गौर माथा भी लिखा देखा होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसका सेंस समझ लेना केवल। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, या फिर इसी को गौर माथा भी कहते हैं, जो आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। किस स्टेट में पड़ता है? गुजरात राज्य में। फिर आती है बात भारत के उत्तरी बिंदु से। भारत के उत्तरी बिंदु, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। अब वो स्टेट नहीं रहा है, दो यूनियन टेरिटरीज में बट गया, लेकिन फिर भी आप यही बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। वो बात ठीक है कि अब वो स्टेट नहीं रह के दो यूनियन टेरिटरीज में बांटा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद आएगा भारत का दक्षिणी बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु आएगा इसके बाद। तो भारत के दक्षिणी बिंदु से संबंधित दो फैक्ट हैं, एक होता है मुख्य भूमि का, एक होता है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, और एक होता है कि सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी। एक है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, एक है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। अगर आपसे मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की बात कही जाए तो आप नेम बताएंगे कैप कमोरिन, कैप कमोरिन, जो आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और यदि आपसे ये कहा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप यहां पर नेम बताएंगे इंदिरा पॉइंट। क्या नाम बताएंगे? इंदिरा पॉइंट, जो आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार में। क्लियर है ना? क्लियर है ना यहां तक? सुनो दोबारा से देख लो। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबथू या बलांगू, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम है गुहार मोती, या फिर इसी को गौर माथा भी कहते हैं, जो आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कौल है जिसका नाम, और वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और भारत के दक्षिणी बिंदु के संबंध में दो फैक्ट है, एक होता है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु और एक होता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। अगर मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की बात करी जाए तो आप बताएंगे कैप कमोरिन, जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, और सबसे दक्षिणी की बात करी जाए तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है, ठीक है ना। इस बात को आप मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये भारत का मैप बना दे रहा हूं यहां पे छोटा सा, मान लीजिए भारत है, ठीक है, मान लीजिए भारत है, तो आपका दिख नहीं रहा अभी, रुको मैं ऊपर कर देता हूं। यहां तक क्लियर है ना ऊपर का? देखिए मान लो मैंने, और छोटा करते हैं इसको, मान लीजिए ये भारत बनाया मैंने। क्या बनाया? भारत का मैप बनाया ये मैंने आपके सामने अभी। तो आपसे आप बता देंगे कि सबसे उत्तरी बिंदु है वो यहां कहीं होगा, जिसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल, जो कहां पड़ रहा है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, या जम्मू एंड कश्मीर में पड़ रहा है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो यहां कहीं होगा गुहार मोती,
क्या नाम होगा? गुहार मोती, जो आपका गुजरात राज्य में पड़ेगा। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो यहां कहीं होगा जिसका नाम है आपका किवथू या बलांगू, किवथू या फिर इसी को कहते हैं बलांगू, जो आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, ठीक है। फिर आपको बताया गया कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो यहां कहीं होगा जिसका नाम आपने अभी अभी लिखा है कैप कमोरिन। कैप कमोरिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। लेकिन दक्षिणी बिंदु से संबंधित आपके सामने अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने चर्चाएं की थी, उसमें दक्षिणी बिंदु से संबंधित दो बातें बताई थी। एक होता है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। तो देखिए भारत की जब हम बात करते हैं तो केवल इतना ही मैप बनाते हैं, जब हम भारत की चर्चा करते हैं तो केवल और केवल इतना ही मैप बनाते हैं जितना अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो भारत का जितना मैप बनाते हैं ये भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत आता है। तो जी मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो हम इस वी की बात करें, यानी कि तमिलनाडु स्टेट में जो बिंदु है सबसे दक्षिणतम, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका नाम है कैप कमोरिन। क्लियर है ना? कैप कमोरिन जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ये मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात हो गई। इसके बाद दक्षिणतम बिंदु में एक बात और बताई गई थी आपको कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार में। तो आप जानते हैं अंडमान निकोबार जब आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको इस टाइप से दिखाई देते हैं, छोटे छोटे खंडों में द्वीप से बटे हुए दिखाई देते हैं या पानी में रहते हुए भूखंड दिखाई देते हैं छोटे छोटे, वो सभी क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के पार्ट है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है नॉर्थ अंडमान सबसे पहले आता है नॉर्थ अंडमान, ठीक है। इसके बाद आता है मिडिल अंडमान, इसके बाद आता है साउथ अंडमान, इसके बाद आता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। इसके बाद आता है कार निकोबार, दिख नहीं रहा है, दक्षिणतम बिंदु कैप कमोरिन। अब यहां बना लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी भी नहीं दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब दिख रहा है। सबसे पहले आता है आपका अंडमान निकोबार के, ये हमने छोटे छोटे द्वीप बना लिए हैं, इनमें सबसे पहले आता है आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। इसके बाद आता है कार निकोबार, लिटिल निकोबार, फिर आता है ग्रेट निकोबार, निकोबार, ठीक है। अभी आपको बताया गया कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कमोरिन है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी, द्वीप समूह में भी कहां पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार में। कहां पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट, पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। सभी लोगों को पता होगा अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, तो अंडमान निकोबार की कैपिटल होती है पोर्ट ब्लेयर, या है पोर्ट ब्लेयर। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में,
अंडमान निकोबार की जो कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो आप बताएंगे साउथ अंडमान पर स्थित है। किस पर? साउथ अंडमान पर। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान पर स्थित है। ठीक है, जो आपका इंदिरा पॉइंट है इसके कुछ अन्य नाम भी होते हैं, यानी कि इंदिरा पॉइंट को अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम है? तो पहले हम लिख लेते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसके अन्य नाम क्या हैं? तो आपने सुने हैं या नहीं सुने मैं आपको बता देता हूं। इसको पारसेन, पिगमिलियन और लोहाचिंग। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी हैं पारसेन, पिगमिलियन या लोहाचिंग। अंडमान ये सब कहां पड़ते हैं? ये भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु हैं। और क्या कहां पड़ते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप पर। और अंडमान निकोबार द्वीप में भी कहां? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ठीक है, तो आप इन नामों से को भी अपने संज्ञान में ले सकते हैं क्योंकि ये इसी के ही अन्य नाम है। कभी कभी एग्जाम में इंदिरा पॉइंट ना दे करके इन तीन में से कोई एक दे देगा और पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आपसे मान लीजिए उसने पूछा गुहार मोती, इंदिरा कॉल, किपथू या बलांगू और एक पिगमिलियन दे दिया और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपने सुना होगा कि इंदिरा पॉइंट है। अगर आपको ये नहीं पता है कि पिगमिलियन को, पिगमिलियन जो है वो इंदिरा पॉइंट का ही अन्य नाम है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी बताए जा रहे हैं जो है पारसेन, पिगमिलियन या लोहाचिंग। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये आपको बता दिए गए हैं कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो किस प्रकार से सिचुएटेड है अपने स्थिति में। तो सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार पर पड़ता है। और सभी लोगों को ज्ञात होगा कि अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर आपकी साउथ अंडमान द्वीप पर पड़ती है। अंडमान निकोबार के साउथ अंडमान में पड़ती है। ठीक है, इसके बाद इसमें स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन यहां पर ऐड होते हैं। ये क्लियर है ना सभी का? क्लियर कर देते हैं इसको यहां से। देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार इसी सिचुएशन में स्थित है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप। तो आपने एक सुना होगा 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है कि 10 डिग्री चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय है, या 10 डिग्री चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है कि 10 डिग्री चैनल होता क्या है और कहाँ स्थित है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल के बारे में आपको मैं बताता हूँ। लिटिल अंडमान, ये क्या है? लिटिल अंडमान और ये है कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में जो पानी भरा हुआ है या जल स्थित है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो जल स्थित है, इसी को 10 डिग्री चैनल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच जल भरा हुआ है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि इन सभी के बीच में कुछ ना कुछ जल भरा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये सभी द्वीप हैं। द्वीप का मतलब ही होता है वह भूखंड जिसके चारों ओर पानी पानी हो वो द्वीप कहलाता है। तो जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो जल है उसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? प्रथम भारतीय 10 डिग्री चैनल को पार करने वाले, 10 डिग्री चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको नाम याद रखना होगा मिहिर सेन। क्या नाम है? मिहिर सेन। मिहिर सेन जो थे इन्होंने 10 डिग्री चैनल को तैरकर पार किया था।
फिर इसके बाद आती है प्रथम 10 डिग्री चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, प्रथम महिला, वो भी कौन सी? भारतीय। 10 डिग्री चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, आरती साहा। इनका नाम क्या है? आरती साहा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सुनो, यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके पॉइंट आ गए हैं, ये आपको जब मैंने पहला वीडियो बताया था उसी में बताया था कि एग्जाम में आजकल स्टैटिक जीके आ रही है। स्टैटिक जीके मतलब कि जो भी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ते हैं वो तो उसके क्वेश्चंस तो होते ही हैं, लेकिन उसी से अटैच करके प्रेजेंट में कुछ उसी जैसी सिचुएशन बनी होती है वैसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, तो उसको स्टैटिक जीके कहते हैं। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं मिलेंगे, ना आपकी हिस्ट्री में होंगे, ना पॉलिटी में होंगे, ना ज्योग्राफी में होंगे, ये आपको स्टैटिक जीके या जनरल अवेयरनेस जो वन लाइनर अप्रोच होती है उसमें आप इन चीजों को जान सकते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखें, आपका एग्जाम आजकल ऐसे ही पॉइंटों से बन रहा है। तो 10 डिग्री चैनल कहां पर स्थित है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो जल भरा हुआ है उसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। प्रथम भारतीय जिसने 10 डिग्री चैनल को तैर कर पार किया उनका नाम है मिहिर सेन, और प्रथम भारतीय महिला 10 डिग्री चैनल को तैर कर पार करने वाली उनका नाम है आरती साहा। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, इससे आगे का जो भी है वो आपको अगले वीडियो मिल जाएगा। जैसे अगले वीडियो में हम आपको यूनिवर्स के बारे में बहुत ही अच्छे फैक्ट्स बताएंगे और यूनिवर्स को स्टैटिक जीके के साथ जोड़कर बताएंगे कि उसमें वर्तमान में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में लिखकर भी बता सकते हैं।